स्टार्टिंग तो कर लेना फटाफट, पीस देगा तो उसमें सारा ठीक है। ये तो पर करना क्या सीखा, दो पार्टी के चैप्टर से पहला क्या सीखा कि केमिकल एनर्जी किस तरीके से मैं कन्वर्ट करा मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच ठीक है। दूसरा पार्ट क्या सीखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच कन्वर्ट करना है केमिकल, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते थे। और थोड़े इस चैप्टर के बीच कुछ भी कट नहीं है, अगर कोई मैं सिलेबस थोड़ा चेक किया है एनसी पे तो हर एक पॉइंट दत्ता होया, तो इस कुछ कट नहीं है अगर इवन फैडे लॉ तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी मेंशन है जो कि पहला कट सके। वो तो पहले कट हो पिछले साल में, उसके अलावा सारा कुछ है। और कल आप एक रिएक्शन करके देखी थी जैसे सपोज करो अपन जिंक का ऑर्डर हो कॉपर सल्फेट डी या कॉपर सल्फेट का कॉन्टैक्ट से रखा मैं जिंक का ऑर्डर, क्योंकि जिंक क्या होता है कॉपर और एक्टिव होता ज्यादा, तो जिंक क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कुछ इस तरीके से कि Zn plus CuSO4 forms ZnSO4 plus copper। अगर अपन आयनिक मॉडल लिखा फिर क्या सीखा जेड एन प्लस, एक तरीके ना होया क्योंकि जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन कॉपर का क्या हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो कितने फ्रॉम जिंक टू कॉपर ठीक है, और उसे फ्लो इलेक्ट्रॉन करके आप करंट बनाना चाहते थे। बट दिक्कत क्या आई थी कि इतने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल गई थी, इलेक्ट्रॉन फ्लो तक इतने जिंक टू कॉपर लेकिन करंट नहीं बना पाए थे। जी रिएक्शन हुई है ना इनको नाम देंगे अपन दूसरा कॉल कर देगा, इनको कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स तो समझ गए पीसीए और कॉम्प्लेक्स रिडक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं ठीक है, इक्को बिकर के बीच हो रहे हैं एंड वी कॉल्ड इट द डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अपना मोटिव इतना है कि अपन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है ठीक है, तो अपन कर क्या रहे हैं एक रिएक्टिव मेटल को एक अनरिएक्टिव मेटल ना कंबाइन कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिएक्टिव तो अनरिएक्टिव बन हो गए और अपन क्या फॉर्म हो गए करंट। लेकिन ऐसे नहीं हो पाया थेगा बिकॉज हीट भी फॉर्म निकल गया थेगा। सेकंड नंबर क्या किया थेगा कि दो अलग अलग बीकर के बीच करो, एक बीकर के बीच ऑक्सीडेशन करो और एक बीकर के बीच क्या करो रिडक्शन किया जिंक रॉड से सोल्यूशन रखना पैदा है आप 1 एम का मतलब समझते हो ना कि मोलर कंसंट्रेशन कितनी है अभी 1 मोलर आते की कॉपर रॉड एंड देन दोनों आपस में पीक करने का करेक्ट वो मतलब बोल रही है देन इस साइड के हम स्टार्ट हो गए थे इस साइड आवरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन बोल दो तो आवरा थल्ला पर क्या मतलब थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इधर क्या हो रही थी रिडक्शन कॉपर टू पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर इन्होंने नाम दिया था रिडक्शन हाफ सेल। और जिससे हमेशा ऑक्सीडेशन होंगे ना की बोल दे उन्हें एनोड अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा एनोड इन्हें याद करना शॉर्टकट क्या थी लोन पैन कट भी याद कर सकते लोन ना भी याद कर सकते मतलब एल फॉर लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होती होंगी और ए फॉर क्या होता है एनोड और इधर क्या होएगा रिडक्शन की बोलोगे अपन कैसा होगा। एक तो बार पॉइंट कैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जा रहे हैं तो करंट के में जा रहा होगा कॉपर टू जिंक ठीक है, और करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाता होंगे तो कॉपर से कहना चार्ज रहेगा पॉजिटिव और जिंक से कहना चार्ज रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एनोड से कहड़ा चार्ज होंगे नैगेटिव और कैथोड से कहड़ा होंगे पॉजिटिव, ये सैल के इलैक्ट्रोलाइट के उल्टा हो जाए। दैन एक इतने प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम क्या थी, जिंक रॉड है ना टूटती है, जिंक रॉड आ चीज टूट रही थी जिससे जिंक होंगे सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं बाहर जा रहे हैं और जैसे टू पॉजिटिव इतने इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे राउंड, और उधर क्या सीन हो रहा था, उधर सल्फेट आयन इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे सारे। तो इन्होंने की किया था इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोकता थे और अपना करंट क्या हो गया थे जीरो। फिर आप किस चीज में लिखे थे कि पिक्चर के सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि यू शेप ट्यूब लगावे। हम आप इतने शुरू करना है तो हम नया टॉपिक पालो और काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इस सॉल्ट ब्रिज बारे या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आप सॉल्ट का डायमेंशन नोट कर सकते हैं कि एक इनवर्टेड यू शेप ट्यूब होंगे इनवर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग कॉटन प्लग्स। कॉटन प्लग्स समझते हैं रूम, आई थिंक कॉटन प्लग पाए मेरे सारे काफी ऊपर तक। मतलब क्यों पाया हमने टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, यदि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट ना जाके मिक्स ना हो जाए उस चीज को अवॉइड कर ली कॉटन ग्लव्स को हमने रेंज। हाँ कॉटन ग्लव एक और चीज इंश्योर करता है कॉटन प्लग के थ्रू आयन बड़ी इजी मूव कर सकते हैं, मतलब इतों की आयन मूव कर सकते हैं अगर वो जान इतों की मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दें कॉटन प्लग अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन। देखो जो दो तरीके के सर्किट्स ने अगर आप थोड़ा गौर करिए, एक सर्किट तो ऊपर देखो आ बड़े ये रही की है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तार रहे हैं इन मोदे ना आउटर सर्किट, एक सर्किट आ वाली है सॉल्व ब्रिज में दिखाऊंगा भी ध्यान में सही तरीके ना, इन मोदे ना इनर सर्किट जिधर रही आयन मूव करते हैं। सो सॉल्व ब्रिज बेसिकली इनर सर्किट को कंप्लीट कर दी है, मतलब एक वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सॉल्व ब्रिज इट कंप्लीट द इनर सर्किट। फटाफट देख रहे देख सकते हैं ये इसो डाला हुआ है, ये लिखा हुआ है नीचे जिंक सल्फेट है 1 mO है और ये रॉड कौन सी है इधर जिंक रॉड रहेगी लिखा हुआ नीचे और यहाँ पे कौन है नीले वाला तो देख के पता लग जाता है कॉपर सल्फेट और ये रॉड कौन सी है यहाँ की आउटपुट ले रहे थे। तो ये सर्किट
आउट ऑफ सर्किट है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तुम्हारे यहां से ऐसे, और फिर मल्टीमीटर के थ्रू फ्लो करेंगे और मल्टीमीटर दिखा देगा कितना करंट आ रहा है। तो समझ आया, ये तो तुम्हारी होगी आउट ऑफ सर्किट। ये देख रहे हैं आप ये ट्यूब, ये देखिए ये कौन है, ये सॉल्ट ब्रिज है। इसके अंदर बेसिकली ना अगर आप देखें तो पानी दंगल देख रहे होगा थोड़ा थोड़ा, एक अगर अगर होता है, अगर अगर का पेस्ट होता है, अगर अगर का पेस्ट बनाया होता किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के नाल, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है, केसीएल एनएसीएल कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट से। अगर अगर कह लें कि जेली टाइप होता है, क्योंकि आप केसीएल को पानी च नहीं पा सकते, अगर आप केसीएल को पानी च पाते और आ ट्यूब च पा देंगे इमेजिन कर, तो पानी कॉटन राही कितने निकल जाता थले आ जाता। आ देख रहे कॉटन, आ देखो इधर कॉटन देखिए, ये कॉटन प्लग ने, अगर मैं केसीएल का सोल्यूशन पानी च बनाता तो फिर पानी के नीचे आना देखो कॉटन के राही, अगर अगर गाढ़ा होंगे वो आता नहीं है। समझ आ गए, तो नोट कर लो माड़ा कि सॉल्ट विद का कंटेंट क्या होता है, ये बीच क्या होता है, अगर अगर प्लस एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जिंक और सल्फेट का आयन दिखा रहा है, वो कौन है, जिंक रॉड, और इधर कॉपर और सल्फेट के आयन है, और ये कॉपर के बने, और ये आपको पता ही है सॉल्ट ब्रिज। इसने सॉल्ट ब्रिज के अंदर एनएसएल डाला है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तेरे हमेशा ही जो लिखे होते हैं पता नहीं, हो मुझे ना पता, जिंक रॉड पतली होंगी होंगी ना, अभी देखना। अब स्टार्ट में देखिए क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जेनन टू पॉजिटिव बन के सोल्यूशन में आ जाता है, ये देखो, और उसका वेट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर दूसरी तरफ। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इसमें जो कॉपर टू पॉजिटिव होंगे, कॉपर टू पॉप से सोल्यूशन के क्या कर रहे हैं उस रॉड को जाके, तो इसका वेट क्या करे जा रहा है, इंक्रीज। इधर देखिए सल्फेट ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई ना, कह सकते हैं कि वो जमा हो रहा है उधर, कॉपर कम हो जा रहे हैं और सल्फेट क्या हो जा रहे हैं ज्यादा, तो उन सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीच में से कौन आ देखे थे, वो नीले नीले जा रहे थे, अभी वो दिखाएंगे बाद में आपको। इधर जिंक ज्यादा हो गए, इधर जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये नीले नीले आ रहे हैं, ये नेगेटिव होंगे, क्लोरीन आ रहा होगा इधर। इसी समझ लगा कि नहीं लगा कि भाई इधर जिंक टू पॉजिटिव काफी ज्यादा हो गए थे, तो सॉल्ट ब्रिज के जरिए कौन आ रहा है बाहर, ये सीएल नेगेटिव, ताकि ये जेड एन से कंबाइन करके क्या बना ले, जेड एन, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है और पानी में डिजॉल्व हो जाएगा वो। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ उधर सल्फेट बढ़ गए थे, तो उसके साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, सोडियम, क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, ये भी पानी में क्या होता है, काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ से हमें एक फंक्शन समझ आ जाता है सॉल्ट ब्रिज का, क्या लिख दिया कॉपी के ऊपर, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है, तो एक्स्ट्रा चार्ज बनता है उसको खत्म कर देती है। दूसरा तो आपको लिखवाई दिया था, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, इसके तीसरा लिख लें आपको मैं समझाऊंगा,
इट डिक्रीजेस द जंक्शन पोटेंशियल, या कह रहे थे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो देखते हैं क्या होता है, ये उसको डिक्रीज करती है। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करता है, जो तार के थ्रू मूव कर रहे हैं ना उसकी मूवमेंट को ये अपोज करता है। तो अगर ये बनता जाएगा तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेगा और सेल आपको वोल्टेज नहीं दे पाएगा, सेल का वोल्टेज लो हो जाएगा। तो इसको कम करना जरूरी था, तो सॉल्डरिंग तीसरा काम ये करती है कि जंक्शन पोटेंशियल को कम कर देती है। हाँ बता रहे हैं, देख लो भी। तीन इसके मेन फंक्शन है, आप अगर आपसे पूछे जाए तो तीनों लिख दोगे आप। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर जंक्शन पोटेंशियल। हाँ नहीं, अरे वीडियो को पूरा देखना जो देख सकते हैं। इसकी ओवरऑल एक्शन देख रहा है, हमने भी लिखनी हुई है जी लेटर ऑन, कि जिंक को ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर क्या हुआ, रेडिकल हुआ है। आप थोड़ा जंक्शन पोटेंशियल को समझिएगा, रियलिटी में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा क्या होता है, जगह की कमी होती है। रियलिटी जो सेल बनाते हैं ना, वो एक ही कंटेनर के अंदर बनाया जाता है। जो हमारा एवरीडे का सेल है वो एक ही कंटेनर के अंदर कैथोड होता है, वहीं पे क्या होता है एनोड। ऐसा नहीं कि अलग अलग रखते हैं, ये तो हमने सिर्फ प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया था। तो अब मान लीजिए कि ये एक ही सेल के अंदर हम लोग बना रहे सारा कुछ। इस साइड मान लीजिए हमारे पास जिंक सल्फेट है, तो इस साइड जिंक साइड कौन सा चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जेड टू ऑलरेडी इकट्ठे हो जाते हैं। इस साइड कौन सा चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन इकट्ठे हो जाते हैं, सल्फेट। तो एक इलेक्ट्रिकल सेटअप होगा किस तरफ, प्लस से माइनस। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर। अब आप इस प्रोजेक्ट से चार्ज करिए, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पर यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकेगा, मूव करने से रोकेगा। तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसी को सर्व करने के लिए बीच में क्या डालते हैं लोग, सॉल्ट। तो वहां से जो आयन आते हैं ना, वो इसको खत्म कर देते हैं। इसको जंक्शन पोटेंशियल बोलता है, जहां पे बनता है पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। जंक्शन मतलब जहां पे दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। एक इधर होगा एक उधर होगा, बीच में पार्टीशन होगा। क्लियर हो गया। अब सॉल्ट ब्रिज में भी एक दो प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, वो लिखिए आप। फर्स्ट है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को नहीं डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मन करा कि एनएसएल को डाल दिया, या के सिर को डाल दिया, या मान लीजिए मैंने AlCl3 को डाल दिया, या मैंने MgCl2 को डाल दिया। ये भी देख के डालना पड़ता है कि कौन सा डाल रहे हैं। पहली बात, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे इसका मीनिंग है, पहले लिख लें इसको। द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये पहले कंडीशन है जिसमें चीज को डालना चाहते हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो आयोनिक मोबिलिटी होगा, याद है फिजिक्स से मोबिलिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करने की क्षमता, तो आयनिक मोबिलिटी होना चाहिए, कटायन और अनायन दोनों का सेम होना चाहिए। So that both cells can neutralize at the same time. इसको लेके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो पॉइंट हमें प्रिकॉशन रखनी पड़ती है सॉल्वेंट को यूज करने से पहले। अब इसको सबसे पहले पहले वाला पॉइंट समझिएगा कि ये एनर्ट का मतलब क्या है। हमें मान लो मैंने किसी मेटल ए को डाला हुआ है यहाँ पे और ये उसी ए का सॉल्यूशन है, मतलब AsO4। ये यहाँ पे भी मेटल बी है और ये उसी का सॉल्यूशन है, मतलब BnO3। वो उसका नाइट्रेट है, वो उसका क्या है सल्फेट, और ये हमने जोड़ा हुआ है इनको, ये बीच में डाल दिया सॉल्ट ब्रिज। अब यहां से इस तरफ कौन आएगा, अनायन आएगा ना इस तरफ, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर पी क्यू डाला होगा, पी पे पॉजिटिव है, क्यों पे क्या है, क्योंकि इस साइड आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होता होता है, तो इधर जो अनायन आएगा मतलब क्यू आएगा, क्यू नेगेटिव इधर आएगा, तो ऐसा होना चाहिए क्यों कहीं इसी से रिएक्ट ना कर ले। अगर ये ए से रिएक्ट कर गया, फिर बना लिया मान लो ए क्यूब से रिएक्ट करके, तो ए का तो वजन वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि ए का वजन कब कम हो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करे निकले और इसका वजन बढ़े, पर ये तो खुद ही से रिएक्ट कर लेगा और ए को खत्म कर देगा, तो हमारा सेल जल्दी ही काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ आया कुछ? तो ये क्यू इससे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। अब दूसरा सीन क्या है वो यहां से समझे, वो था कि दोनों का आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए। अब आप इमेजिन करिए कि इस साइड चार पॉजिटिव चार्ज बन गए और इस साइड चार क्या बन गए, अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, एक पॉइंट समझने वाला है। तो इधर कौन दौड़ेगा, पी, और इधर कौन दौड़ेगा, सॉरी मैं बोल गया ना, इधर इधर दौड़ेगा क्यू और इधर कौन दौड़ेगा पी। अब मान लो अगर आपका जो कटायन है वो तेज दौड़ रहा है और अनायन का दौड़ रहा है स्लो, तो अनायन या कटायन बोल लीजिए वो इधर क्या पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा और अनायन रास्ते में ही होगा। तो अगर ऑलरेडी इधर कटायन आके एंटर कर गया तो वे उसको क्या कर देगा न्यूट्रलाइज, और उधर कौन सा चार्ज रह जाएगा ऑलरेडी पॉजिटिव, तो उस प्लस के कारण फिर इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज बनेगा, तो दोबारा फिर नेगेटिव, तो फिर दोबारा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ऊपर रोकेगा। सीन समझ आया? मैं दोबारा थोड़ा सा इसको कलर्स की फॉर्म में कर दिखाता हूं आपको। ये सीन है थोड़ा, एक बीकर है दूसरा बीकर है, यहां से सॉल्ट ब्रिज है, इधर मान लो पॉजिटिव बना हुआ है, इधर मान लो नेगेटिव बना हुआ है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो जहां से नेगेटिव आएगा सॉल्ट ब्रिज से और जो इधर पॉजिटिव जाएगा, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पहले पहुंच गया ये बाद में पहुंच गया, अगर ये पहले पहुंच गया तो ये प्लस को खत्म कर देगा, लेकिन इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, तो फिर वो नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। समझ आया? तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि कटायन और अनायन की मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होगा। क्लियर? लिख लीजिए इसको अपनी वॉच में, लिखना है वैसे लिखवा तो दिए।
delete. अब अगला हिस्सा लेंगे ओवरऑल रिएक्शन की, बिल्कुल इतनी आसानी ओवरऑल रिएक्शन. ये रिएक्शन हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान रखें, यहां पे हमने मोल्स की भाषा में काम करना है. अब देखिए जिंक के एक मोल से इलेक्ट्रॉन के कितने मोल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं. अब यहां पे आपको बाद में एक टर्म आएगा बाद में, दैट इज फैराडे. तो वन फैराडे किसके इक्वल होता है, ये लिख ले चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज वन फैराडे. मतलब आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इनटू 10 की पावर -19 कूलम. एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6.022 इनटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन. इनके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, कितना रहेगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है इनटू किसके कर देंगे, जितना एक के ऊपर चार्ज होता है. तो उसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम आता है, इतना चार्ज होता है एक कोलम, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के पास. यहां पे टोटल आपका दो मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दो फैराडे का चार्ज यहां पे इन्वॉल्व होगा. आप ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, जी गैल्वेनिक सेल कर रहे हैं हम लोग वैसे, इसका नाम डैनियल बोल रही है, यही डिजाइन होता है डैनियल सेल, तो एक बीकर के अंदर इकट्ठा कर देते हैं. डैनियल सेल के अंदर बेसिकली दो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बोले कि दो फैराडे का चार्ज फ्लो करता है. और यहां पे हमारा एक फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, हमने ब्रेक में पढ़ रखा है के ओ इक्वल्स टू एन ई, यहां पे क्या लिखेंगे के ओ इक्वल्स टू एन एफ, ये भी लिख लेना. चार्ज किसके ऊपर होगा, एन एफ, एफ होगा एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, और एन होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हैं, दो मोल है तो दो एफ पड़ जाएगा, तीन मोल है तो तीन एफ पड़ जाएगा. ये तो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ ये होता है. कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर सॉलिड. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ओवरऑल. तो दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ओवरऑल बनेगी हमारे पास जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव फॉर्म जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड. ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा, यहाँ पे सॉलिड लिख देना. अब जब हम लोग इसमें आगे काम करेंगे, जितने भी कंपोनेंट आपको रिएक्शन के अंदर सॉलिड में देखेंगे, तुमने उनका कंसंट्रेशन को भी मेंशन ही नहीं करना है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन हमेशा वन लेते हैं, वन. जितने भी सॉलिड में होंगे या प्योर स्टेट में मान लीजिए, हमने हमेशा इनका कंसंट्रेशन मेंशन करना होगा जो कि आयन की फॉर्म में होते हैं. अब जैसे हमने इस केस में कितना लिया था, इसका 1 mm लिया था ना, कॉपर सल्फेट का, पीछे देखो जिंक सल्फेट का भी 1 लिया था, इसका भी कितना लिया था हमने, 1 mm 1 molar. आप 2 molar 3 molar कुछ भी ले सकते हो, हमेशा इन्हीं का कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, इनका इनका कभी नहीं करना है जो कि सॉलिड में होंगे.
अब इस पूरे सेल को रिवजन करने का तरीका देख लें, जिसको वो अपर टॉपिक ही कवर हो जाएगा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इसमें हमेशा अपने लेफ्ट साइड के ऊपर उसको रखना है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, और राइट साइड पे कौन होगा जिसका क्या होगा रिडक्शन, और मिडल में होगी आपके सॉल्ट ब्रिज। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, इसका कंसंट्रेशन है 1 m, बीच में क्या आ जाएगी, इसको ऐसे नहीं बदल सकते सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन से, इधर का लिखा हुआ जिसकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, और इसका कंसंट्रेशन रहेगा 1 m अगेन एक्वस। तो ये तुम्हारा डैनन सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे रहेगा टीम जनरल, लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन हाफ रहेगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और इधर रहेगा रिडक्शन हाफ। मैंने एक पॉइंट को कल दिखवाई दिया था वो वाला कि जिंक का वेट कितना कम होगा कॉपर का कितना बढ़ेगा वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं उनके उनके मोलर मास और इक्विवेलेंट मास के ऊपर। ये भी दिमाग में रखना, जब वर्किंग होगा ना इसका तो जिंक रॉड क्या हो जाएगी, ये वेट लूज करेगी और वो गेन करेगी। अब वो कितना लूज करेगी कितना गेन करेगी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोलर मास के, ये कितना गेन करे किसके मोटर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम्हारा सेल मतलब सेल की पूरा हो गया, यहाँ पे पूरे पॉइंट लिखे गए आपके। इसके बाद बिल्कुल नई चीज चलेगी, फिर हमने भी रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वगैरह करना होगा, वो अलग ही टॉपिक है बिल्कुल। कल से करते हैं इसको, क्या भी करेंगे ये चैप्टर फिर लंबा है, कुछ नहीं करते हैं।